तो भाई लोग क्या हाल चाल है, आई होप सब बढ़िया। तो भाई लोग आ चुके एक न्यू गेमप्ले के साथ वापस, और यहाँ पे मैं उतरते हैं सामने मेरे को एक स्क्वाड देखा, सो दैट्स व्हाई मैं इस घर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे जल्दी जल्दी लूट करके इस साइड आ जाता हूँ इन बंदों को फिनिश करने में। तो फिलहाल यहाँ पे आके मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, लेकिन इसी टाइम भाई मेरी पिंग हाई हो जाती है और देखो क्या होता है। और बहन चौथ ऐसे टाइम पे ऐसे पिंग हाई हो जाती है। फिर सामने भाई एक बंदा फिर स्पाइडरमैन की जैसे छलांग मारते मारते भाई क्रॉस हो चुका है। फिलहाल ये बंदा मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है। अब ये बंदा को मैंने स्पॉट यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे इसकी टीममेट था जो मेरे को स्प्रे दे रहा था, लेकिन भाई बंदे की एम से ही नहीं था, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। और जो फास्ट जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसी टाइम उसकी जो दूसरा टीममेट भी गया था, सो वो बंदा उसको रिवाइव दे सकता था। सो दैट्स व्हाई मैं सीधा उनके ऊपर ही पुश कर देता हूँ कि इस साइड पे जो बंदे को मैंने नॉक किया था इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको बाद में भी मार सकता हूँ मैं। और फिलहाल यहाँ पे आके देखता हूँ क्या, देखो मतलब भाई ये क्या कर रहा है, मतलब गांड मार रहा है या रिवाइव दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो तो गाइस इस टीम के ये था दो बंदे जिसको मैंने ठोक देता हूँ और एक बंदा नॉक पड़ी है, बाकी और एक बंदा है तो मैं आ रहा हूँ तो जिसको मैंने नॉक किया था उसको फिनिश करने में, लेकिन जिसकी जो बाकी की टीममेट खुद ही उसकी लोकेशन दे देता है और भाई इसको बहुत ही आसानी से बजा देते। अब देखो इन लोगों को लूट के मैं यहाँ से जा ही रहा था, फिलहाल एक गाड़ी जा रहा था यहाँ से, मैं थोड़ा सा इस पर देता हूँ कि भाई थोड़ा सा रुके गाड़ी, बट ऐसा नहीं इतना जल्दी मैं कहाँ जा रहा, जब पीछे की पुलिस पड़ी है अगर लॉकडाउन में इतनी जल्दी भाग रहा कहाँ। फिलहाल यहाँ पे था गाड़ी, भाई उठा के मैं सीधा उन लोगों को पीछे पीछे जाता हूँ। अब मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को एक हेलकिट देखता है जो लेने में मैं थोड़ा सा यहाँ पे उतरता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हेलकिट नहीं थी। सो दैट्स व्हाई ये मेरे को काफ़ी ज़रूरत था। फिलहाल ये वाला गाड़ी मेरे को दिखता है तो मैं थोड़ा सा स्प्रे देता हूँ, लेकिन वो बंदा भी मेरे को यहाँ पे स्प्रे दे रहा था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर लेके रुक जाता हूँ, लेकिन वो लोग भी सामने गाड़ी रुक देते और दो बंदा भाई सीधा आ जाते हैं मेरे ऊपर पुश करने में। अब एक बंदे को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे देता हूँ, मतलब हल्का सा डैमेज कर देता हूँ, वो बंदा पीछे की साइड भाग जाता है और एक बंदा भाई एक पेड़ के पीछे आ चुका था। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मारने की ट्राई तो करता हूँ, बट इसी टाइम पे जोन भी आ जाता है और वो बंदा भाई भागने की तैयारी कर रहा था, सो भाई इसको बहुत ही आसानी से यहाँ पे नॉक कर देते और इसकी टीममेट काफ़ी दूर था, सो दैट्स भाई इसको फिनिश ही कर देते। अब देखो यहाँ पे जो झूला था इनसे भाई यहाँ पे और एक गाड़ी आ जाता है और उन लोगों के साथ थोड़ा सा फाइट करता है, तो वो लोग जो है झूला में चढ़ के इस साइड आ जाता है। सो दैट्स व्हाई मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे ही आएंगे वो लोग या आसपास ही कुछ जगह पे रहेंगे। सो दैट्स व्हाई मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ और क्या होता है देखो। अब यहाँ पे के कोई भी मेरी को फुटस्टेप वगैरह कुछ दिखता नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे जब इस घर के ऊपर जाता हूँ तो मेरे को एक गन साउंड आता है इस साइड से, और यहाँ पे आके एक फुटस्टेप भी दिखता है। और भाई ये जो स्कॉट हाउस है यहाँ पे था एक बंदा, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे से स्प्रे देता हूँ और इस बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे दे दिया था, लेकिन भाई मेरे टीममेट ने आके किल चुरा लिया, मेरा कहते मूड ऑफ हो गया मेरा। फिलहाल यहाँ पे देखो ये बंदा आया और भाई M249 लेके आया था, लेकिन भाई मैं M4S को यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब मैं जब छत के ऊपर जाता हूँ तो आसपास और भी बंदा नहीं दिखता, तो यहाँ से जाने के लिए मैं तैयारी कर ही रहा था। फिलहाल ये बंदा आ जाता है और इसको मैं थोड़ा सा स्प्रे देता हूँ और बंदा भाई सीधा जाता है घर के ऊपर। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो बंदे की एक पिन की आवाज़ आता है जो नेट खींचा है, और भाई मुझे पता था
और भाई मेरे को तो पता था कि पिन खींचने के बाद नेट फूटने में 3-4 मिनट टाइम लगता है, मतलब सेकंड टाइम लगता है। सॉरी, फिलहाल देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम गाड़ी लेके, और इस बड़े बंदे को भाई क्या है मारा तुम बस देखना। और भाई ये भाई साहब यहाँ पे ड्रॉप लूट के जा रहा था ना, मैंने यहाँ पे मौका देख के सीट चेंज करके इस बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। लेकिन भाई इसके पास से मेरे को मिल जाता है MK9, तो उठा के मैं सीधा इस साइड आ जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे को दो गाड़ी दिखता है और मैं समझ जाता हूँ कि भाई बंदे यहीं पे होंगे, तो यहीं पे रुकते पीछे। और देखो यहाँ पे क्या होता है। अब इस बंदे को मैंने नॉक कर देता हूँ, लेकिन इसकी जो टीममेट भाई ये तो वो सामने आ चुका था। और भाई ये जो गन है ना रिलोड होने में जो टाइम लगा देता है, फिलहाल इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्प्रे देता हूँ। अब देखो अब मैं इसको यहाँ पे मारने की तो ट्राई कर रहा था, लेकिन इसकी जो एक टीममेट भाई पीछे की साइड आ चुका था और यहाँ पे विधायक बनता। तो भाई इसी के साथ ये वाला स्कोर भी होता है ख़त्म। तो गाइस ये वाला स्कोर को मारा, तो तुम्हें अगर पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मैं तो कह दूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी भी तुमने नहीं किया हो तो। फिलहाल वहाँ से लूट लाट के हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे ड्रॉप लूटने में। और वेस्ट और हेलमेट चाहिए था मुझे को, तो फिलहाल जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इस घर के अंदर से मेरे को एक और फुट स्टेप आता है। और भाई हाथ में एक MK है तो डरना किस बात की। फिलहाल यहाँ पे आके देखता हूँ कि बंदे ने भाई नेट खींचा है और वही ट्राई भाई नेट खींचने में जो 2-3 सेकंड की टाइम लगता है, इतने में भाई ठोक के बजा दूंगा। फिलहाल इसको लूट के लास्ट एक ही बंदा बचा था जिसको हमने बहुत ढूंढा, और यहाँ पे मैं अंधाधुंध गया, मेरे को लगा कि सामने बंदा था तो दैट्स व्हाई यूं ही मैं रैंडम फायर किया था। लेकिन उस बंदे ने भाई एम लगा के बैठा था, जो हमें यहाँ पे चिकन डिनर तो नहीं मिलता, सेकंड डिनर मिलता है। सो होप गाइस गेम प्ले तुम्हें बढ़िया लगा, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ तो कर दो, और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करो।